आज मैं आप लोगों के साथ स्पेशल मैंगो डेजर्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही प्यारी लगेगी। एक रेसिपी से फ्रेंड्स इसे दो तरह की मैं रेसिपी बनाऊंगी, जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो हाय एवरीवन, मैं हूं जयंती और जयंती किचन क्वीन में तहे दिल से स्वागत है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली के साथ रहिए। तो फ्रेंड्स, इन दिनों मार्केट में आम बहुत सारे आ चुके हैं और मैंगो से फ्रेंड्स बहुत सी रेसिपी बनती है, वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। तो फ्रेंड्स, सारी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ज़रूर जाके देखिएगा। बट इस समर में कुछ मैंगो की डिज़र्ट होनी ही चाहिए थी, तो मैं आज आपके लिए मैंगो कस्टर्ड और मैंगो कस्टर्ड पुडिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही यम्मी लगेगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। घर के मात्र कुछ ही सामान से ये बनके तैयार होगा। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा सा ये ऑप्शन है। अगर आप कोई भी गेट टुगेदर करते हो या फिर कोई पार्टी करते हो, तो इस तरह की डिज़र्ट आप अगर उसमें शामिल करोगे तो आपके जो पार्टी का जो रौनक है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हाफ कप मिल्क लिया है और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 2-3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिया है, नॉर्मल सा ये वेनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है फ्रेंड्स। अभी मैंगो फ्लेवर का भी कस्टर्ड पाउडर मार्केट में बहुत ही आपको आसानी से वो मिल जाएंगे, बट मैंगो अभी हम लोगों को इस सीज़न में मिल रही है, तो क्यों ना ये ओरिजिनल मैंगो की कस्टर्ड बनाई जाए। तो चलिए, यहाँ पे हमने कस्टर्ड पाउडर को मिल्क में, यानी कि ये रूम टेम्परेचर पे मिल्क है, उसमें मैंने डाल के इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने नॉन स्टिकी पैन लिया है, फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमने मिल्क लिया है, इसी मैंने पहले ही उबाल लिया था, अभी ये रूम टेम्परेचर पर है। और ये मिल्क फ्रेंड्स फुल फैट क्रीम मिल्क हैं फ्रेंड्स, तो इस बात का आप याद रखिएगा कि ये फुल फैट क्रीम वाले ही मिल्क होने चाहिए। और यहाँ पे हमने जो मिल्क लिया है फ्रेंड्स, 750 ml यहाँ पे हमने मिल्क को यहाँ पे लिया है और इसे मैंने कंटिन्यूसली इसी तरह से चलाते रहना है। और आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो, कंटिन्यूसली चलाने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स हमने चीनी डाला है 4 टेबलस्पून। तो आप यहाँ पे चीनी अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि जब मैंगो का पल्प इसमें जाएगा फ्रेंड्स, तो ये और ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कैडमम पाउडर डालनी है 1/2 टेबलस्पून। मैंने कैडमम के छिलके को उतार लिया, डेट मीन्स इलायची के छिलके को उतार के और उसके अंदर की जो सीड थी उसे मैंने कूट कर यहाँ पे डाल दिया है 1/4 टेबलस्पून। इससे आपका फ्लेवर जो है और ज़्यादा इन्हेंस होके आता है। और यहाँ पे फ्रेंड जैसे ही हमारे मिल्क में उबाल आने लगे थे, तो मैंने कस्टर्ड जो बनाया था, यानी कि कस्टर्ड का जो मिक्सचर बनाया था, वो हमने इस पैन में थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करते जाना है। मतलब कि इसमें डालना है, फिर चलाना है, फिर डालना है, फिर चलाते जाना है। इससे क्या होगा, कोई लम्स यहाँ पे नहीं होगा फ्रेंड्स, और ये अच्छे से एक सार हो जाएगा, अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड जब तक हमारे मिल्क की क्वांटिटी जस्ट हाफ हो जानी चाहिए और इसका जो मिक्सचर है फ्रेंड्स, न ज़्यादा गाढ़ा और न ज़्यादा इसका पतला रहना चाहिए, ये मीडियम गाढ़ी होनी चाहिए। और ये देखिए, हमारे कस्टर्ड में धीरे धीरे अच्छे से यहाँ पे उबाल आ रहे हैं। यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम रखना है फ्रेंड्स, और इसे कंटिन्यूसली चलाते जाना है फ्रेंड्स। कोशिश यही कीजिएगा कि इसे नॉन स्टिकी बर्तन में बनाइए। अगर आपके पास नॉन स्टिकी बर्तन नहीं है फ्रेंड्स, तो इसे आप स्टील के अगर पतीले में बना रहे हो, तो इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो ये तली में चिपक जाएगी, तो इसका जो टेस्ट जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और ये देखिए, हमारी कस्टर्ड थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी थी, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारी मैंगो कस्टर्ड है, यहाँ पे मैंने जो मैंगो के जो पल्प थे, यानी कि मैंने 250 ग्राम का मैंगो लिया है, जो जिसे यूपी बिहार में मालदा आम के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, उसके पल्प को हमने निकाल के मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से इसे हमने स्मूथली ग्राइंड कर लिया है।
और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने पल्प को डाल के इस कस्टर्ड में मिक्स कर लिया है और अब देखिए इसकी थिकनेस थोड़ी और बढ़ गई है, थोड़ी सी ये गाढ़ी और हो चुकी है फ्रेंड्स। और ये जो कस्टर्ड है बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप मैंगो के पल्प को इसमें आप ऐड कीजिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 2 ग्लास लिया है, आप चाहो तो बाउल भी ले सकते हो। और इसमें मैंने मैंगो के कटे हुए पीसेस को मैंने डाल दिया है। फ्रेंड्स आप फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, आप इसमें और बहुत सारी फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो, बट ये मैंगो कस्टर्ड है इसलिए मैंने सिर्फ इसमें मैंगो ऐड किया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारे मैंगो कस्टर्ड है इसमें मैंने स्पून की हेल्प से इस ग्लास में मैंने इस तरह से डाल देनी है। और कोशिश यही कीजिएगा फ्रेंड्स कि ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि ठंडी ठंडी जब ये सर्व की जाती है फ्रेंड्स तो आपका मूड बहुत ही रिफ्रेश हो जाता है और खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। तो इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने मैंगो के पीसेस को बारीक कट कर लिया था, उसके ऊपर मैंने इस तरह से प्रेजेंटेशन कर दी है। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो मैंगो कस्टर्ड है कुछ इस तरह से बन के तैयार होता जा रहा है। इसके ऊपर फ्रेंड्स आप कटे हुए ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, या फिर जो गुलाब की सूखी हुई जो पंखुड़ी होती है उससे भी आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हो। फ्रेंड्स डेकोरेशन बहुत ही अच्छी लगेगी। मैंने यहाँ पे कटे हुए आलमंड को मैंने ऊपर से इस तरह से रख दिया है फ्रेंड्स, और इसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से यहाँ पे हो गई है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक जो साबुत आलमंड है उसके ऊपर मैंने रख दी है, और ये हमारा मैंगो कस्टर्ड कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स उसी कस्टर्ड से मैं दूसरी रेसिपी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर से 1/2 कप मैंने मिल्क लिया है जो ठंडे ही है, और इस कस्टर्ड को मैंने जो कस्टर्ड मैंने बनाया था उसे 2 टेबलस्पून उसी मिल्क में मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है मैंगो कस्टर्ड पुडिंग की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हम लोग चाय के साथ टोस्ट बिस्किट खाते हैं वही बिस्किट हमने लिया है, और इसे मैंने जो फ्लेवरफुल हमारे मिल्क हैं उसमें मैंने इस टोस्ट को डाल दिया है, और इसे अलट पलट करके इसे अच्छे से हमने सोक कर लिया है। और यहाँ पे हमने एक केक टिन लिया है, आप कोई भी यहाँ पे बर्तन ले लीजिएगा फ्रेंड्स। और इस सोक किया हुआ टोस्ट को मैंने अरेंज कर दिया है इस केक टिन में, और इस कस्टर्ड को यानी कि मैंगो कस्टर्ड को मैंने ऊपर से इसमें डाल दिया है। और आप चाहो फ्रेंड्स तो इसकी सेकंड लेयर भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेयर लगाया है। यहाँ पे कस्टर्ड डालने के बाद आप फिर से टोस्ट ले लीजिएगा और उसे उसी मिल्क में यानी कि मैंगो मिल्क जो हमने बनाया था उसमें फिर से डीप करके इसमें डाल दीजिएगा, उसके ऊपर फिर से आप कस्टर्ड की लेयर डाल दीजिएगा, तो आपका वो डबल लेयर हो जाता है। और यहाँ पे हमने मैंगो के पल्प को ऊपर से हमने डेकोरेशन कर दिया है, कुछ बारीक हमने आलमंड को पीसेस में हमने कट कर लिया था उससे हमने डेकोरेशन कर लिया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन के लिए मैंने जो साबुत आलमंड है उससे मैंने इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन कर दी है, और ये हमारा मैंगो कस्टर्ड पुडिंग कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया है। फ्रेंड्स आप चाहो तो इसे नॉर्मल फ्रीज में रख के ठंडा करके आप सर्व कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर हमने बटर पेपर लगा दिया है और इसे रबर से हमने अच्छे से सील कर दिया है। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप एल्युमिनियम फॉइल को ऊपर से कवर करके इसे आप डीप फ्रीज में 5 से 6 घंटे के लिए रख दीजिएगा। और 6 घंटे के बाद जब हमने अपनी पुडिंग को निकाला तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये सेट हो चुका है फ्रेंड्स। और ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, मैं जब आगे आपको कट करके दिखाऊंगी तो खाने में उतनी ही यम्मी लगेगी। तो ये देखिए मैंने स्पून से इसे कट कर लिया है और इसे मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है फ्रेंड्स। तो दिखने में जितनी अच्छी लग रही है फ्रेंड्स खाने में उतनी ही प्यारी लगेगी ये डेजर्ट। तो मेहनत आप एक रेसिपी पे करोगे बट 2 रेसिपी आपके घर में बन के तैयार होगी। तो इस तरह की रेसिपी फ्रेंड्स देखने के लिए आपको क्या करनी होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी। तो अगर हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है फ्रेंड्स तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल
जयंती किचन को इनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये प्यारी प्यारी सी रेसिपी देखने के लिए फ्रेंड्स और इसकी रील्स देखने के लिए आपको क्या करनी होगी, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। साथ में आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हमारा पेज जो है फ्रेंड जयंती किचन क्वीन के ही नाम से है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज की जो दो रेसिपी है मैंगो कस्टर्ड और मैंगो कस्टर्ड पुडिंग की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो इसे बनाइए इंजॉय कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स दीजिए इजाज़त कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ वक्त के लिए, ताकि जयंती किचन क्वीन के खजाने से एक प्यारी सी रेसिपी ढूंढ कर मैं जल्दी ही लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक प्यारी सी और बहुत ही टेम्पटिंग सी रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।